Hi guys, my name is Shashank Jain. Welcome to my channel Woodofa. Today I have a very special guest with me and his name is Utkarsh, and today I'm going to tell you that how is my room and how does my house look like, and this house is made by Shashank uncle. थैंक यू सो मच. तो गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन, आई रियली लाइक दिस गाय. बहुत ही बढ़िया मुझे ये बच्चा लगता है. मतलब जब हम लोग इंटीरियर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सो दिस गाय हैज सो मच इनपुट्स. मतलब मम्मी को पापा को पहले से बता देता था कि मुझे ये चीज चाहिए, सो मच क्लैरिटी इन हिज माइंड. बहुत कम बच्चे मैंने देखे इतने क्लियर माइंड से. थैंक यू उत्कर्ष फॉर सपोर्टिंग अस एंड कमिंग विद अस ऑन द चैनल. आ जाओ आप अपना टूर दिखाओ. तो मैं नहीं दिखाऊंगा गाइज आज टूर, आज उत्कर्ष दिखाएगा आपको अपने घर का, अपने रूम का टूर. ये है मेरा बेड, एंड जो मेरा पुराना घर था उसमें नॉर्मल जैसा बेड होता है वैसा बेड था. तो मैंने इस बार मम्मा को बोला था कि मेरे लिए एक नया बंक बेड बनवा दो और इसमें ड्रॉर्स भी अच्छी लगेंगे, तो इसमें ड्रॉर्स भी करवा दीजिए. तो मैंने इसे इतना ही बोला और मेरी मदर ने मान ली और ऐसा बंक बेड बनवाया. एंड इधर मेरा कंप्यूटर की टेबल है, इधर मैंने कंप्यूटर की टेबल बनवाई. तो ये कंप्यूटर टेबल है और ये प्रिंटर यहाँ पे रखवाया था क्योंकि स्कूल में काम आता है, और कंप्यूटर इसलिए रखवाया क्योंकि अब कोरोना है इसलिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं. तो कंप्यूटर में ही ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ. एंड यहाँ पे मैंने मतलब कि अपना जीरो नंबर का चश्मा भी रख रखा है और भी काफ़ी चीज़ें डेकोरेशन के लिए. एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सामान रख रखा है जो नेसेसरी है क्लास के टाइम चलते हुए. एंड यहाँ पर मेरी अलमारी है जिसमें मैंने अपनी बुक्स रखी हुई है स्कूल की, एंड थोड़ा बहुत पेंसिल रखी हुई है, पेंसिल इरेजर शार्पनर एंड ऑल दोस थिंग्स. और यहाँ पर मेरा बुक शेल्फ है जो कि मुझे मेरे पीछे पुराने वाले हाउस में नहीं था, बट इस बार मैंने अपनी मदर से बोला था कि प्लीज बनवा दो, तो मेरी मदर ने मान के इसे बनवा दिया है. तो मेरे साथ एक अपना छोटा भाई है, तो वो बहुत छोटा है, मतलब कि बहुत ज्यादा भी नहीं, तो वो यहाँ पे सो जाते हैं. और तो मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, एंड ये यहाँ से अच्छा व्यू आता है अगर हम पीछे वाली खिड़की भी खोल कर रखें तो. सोते सोते अगर नींद ना आए तो खिड़की खुली हुई भी हम देख सकते. मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर क्रिकेट का वो लगा दिया है स्टिकर. एंड ऊपर मैंने लगवाया है एक एसी क्योंकि गर्मी लगेगी तो एसी चलाना पड़ सकता है. एंड और यहाँ पर ये बालकनी की तरफ जाता है और ये मेरी अलमारी है जिसमें सामान यानी कि कपड़े और वो सब रखते हैं, और इस अलमारी में भी थोड़ा सा सामान रखते हैं. थैंक यू.